हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेस्ट पैरामीटर। जैसे कि मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, ठीक है? तो उसको भी अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किया होगा तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिए और उसके बाद ही आप इस वीडियो पे देखिए, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि रेस्ट पैरामीटर क्या होता है और डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, ठीक है? क्योंकि नाम दोनों एक ही तरीके का लग रहा है, ठीक है? तो दोनों चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए और दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए सारा वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? तो चलिए विदाउट एनी डिले हम देखते हैं कि रेस्ट पैरामीटर क्या होता है। देखिए, तो समझ लीजिए, मैं आप लोग को समझाता हूँ कि रेस्ट पैरामीटर क्या होता है। कि सपोज करिए कि आपने एक बना लिया फंक्शन, ठीक है? उसमें मान लीजिए आपने एक फंक्शन बना लिया सम करने का, दो आपने उसमें पैरामीटर डिफाइन कर दिया, ठीक है? कल को मान लीजिए तीन नंबर को सम करने के लिए आ गया, तो आप क्या करेंगे, उस फंक्शन में जाएंगे और एक और आप पैरामीटर बढ़ाएंगे। कल को चार नंबर को सम करने के लिए आ गया, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप चार एक और जाकर बढ़ा देंगे। कल को फिर से दो ही को करना पड़ा, तो क्या करेंगे, फिर से उसको कम करना पड़ेगा। फिर कल को अगर 10 करना पड़ेगा तो आप फिर से आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? यानी कम ज्यादा ये आपको करते रहना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब पैरामीटर नंबर्स ऑफ पैरामीटर जब वेरी करता रहे या इनडिफिनिट हो, यानी कि हमें पता ही नहीं हो, अनडिफाइंड हो, हमें पता ही नहीं हो कि उसमें कितने पैरामीटर आपको बनानी है, डिफाइन करनी है फंक्शन में, आप अवेयर नहीं है। ऐसा फंक्शन जिसमें नंबर्स ऑफ पैरामीटर की वैल्यू कम ज्यादा होता रहे, फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, फिक्स नहीं हो, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करनी चाहिए, रेस्ट पैरामीटर यूज करनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए ले चलते हैं पीपीटी की तरफ, जहां पर कि हमने डिफिनेशन रखा हुआ है, ताकि आप अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको रिप्लाई दे सकें। और वैसे जैसे जो मैंने समझा दिया वही चीज होता है कि आपका रेस्ट पैरामीटर। तो चलिए चलते हैं पीपीटी की तरफ। रेस्ट पैरामीटर इज एन इम्प्रूव्ड वे टू हैंडल फंक्शंस पैरामीटर। फंक्शंस के पैरामीटर के को इम्प्रूव करने का एक तरीका है, अलाउइंग अस टू मोर इजिली हैंडल वेरियस इनपुट्स एज पैरामीटर्स इन अ फंक्शन, ठीक है? द रेस्ट पैरामीटर सिंटैक्स अलाउ अस टू रिप्रेजेंट एन इनडिफिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एज एन एरे, ठीक है? उसको एरे की तरह हैंडल कर लेंगे, क्योंकि एरे में क्या होता है, इंडेक्स बेसिस पर वैल्यू आप जितना मर्जी उतना रख सकते हैं, यानी कि जितना आपको भेजना है भेज लीजिए, एरे में हम उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए इस चीज को हम लोग कैसे करते हैं। पहले हम आपको प्रॉब्लम दिखाएंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों हम रेस्ट पैरामीटर सीखें, अगेन हम क्यों पर जा रहे हैं, क्यों सीखें रेस्ट पैरामीटर, क्यों यूज करें, ये आपको आ जाएगा। तो भाई क्या होता है रेस्ट पैरामीटर, ये आपको ऐसी समझ में आ जाने वाला है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। एक मैं यहाँ पर नया HTML का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index8.html नाम दे दिया, HTML यहाँ पर लेता हूँ क्या स्क्रिप्ट टाइप, ठीक है? देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, ये सब कैसे ES5 में ऐसे हम लोग करते थे, ठीक है? यानी कि जब हमारे पास रेस्ट पैरामीटर का कोई कंसेप्ट नहीं था तो कैसे करते थे, करना तो था ना, ठीक है? मान लीजिए कि आज आप YouTube पर फ्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब YouTube नहीं था तभी तो आप पढ़ते थे ना, ऑफलाइन जाते थे आप पढ़ते थे, हालांकि वहाँ पर क्वालिटी आपको नहीं मिलता था, क्योंकि वो लोकल इंस्टीट्यूट था, आप जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में अगर बेस्ट फैकल्टी बेस्ट डेवलपर अगर अवेलेबल है पढ़ाने के लिए तभी तो आप पढ़ सकते थे ना, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है, ये बिल्कुल डिजिटलाइज है। आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी रूरल एरिया में भी अगर आप रहेंगे, YouTube चलाइए, आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी बेस्ट से बेस्ट डेवलपर से आप कोडिंग सीख सकते हैं, ठीक है? तो ठीक उसी तरीके से देखिए ES5 में हम लोग कैसे करते थे। सपोज करिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्या, एक सम नाम का फंक्शन, और इस सम में मान लीजिए कि हमें ऐड करनी है ए और बी को, हमें दो नंबर को ऐड करने का बनाना है क्या, कंसोल डॉट लॉग क्या कर दिया, ए और बी पढ़ देता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है? इसको कॉल कैसे करेंगे, सम कर दिया मैंने 10 और 20, आउटपुट क्या आएगा,
वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, हालांकि सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, तो ऐसा कुछ इसमें तोप नहीं हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए, आउटपुट कितना आएगा, 30 आएगा, आउटपुट कितना है, 30 आ गया, देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करनी है, आप सपोज करिए इसमें नंबर्स और पैरामीटर बढ़ता चला गया, ठीक है। मान लीजिए हमें अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमें इसमें एक और ऐड करनी है, और भी वैल्यू इसमें हमें ऐड करनी है, सम करनी है, ठीक है, और भी हमें यहाँ पर ऐड करनी है। अब क्या करेगा ये, अब सोचिए अब इसका आउटपुट क्या आएगा। जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देगा, क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रिक्ट मोड में काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बाकी सारे लैंग्वेज में ये एरर दे देता है, ये इसको कॉल ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आपने बताया है कि आपको दो ही पैरामीटर भेजना है, और आप यहाँ से भेज रहे हैं कितना, 3 3 6 भेज रहे हैं, तो अदर टेक्नोलॉजी में, अदर लैंग्वेज में ये एरर दे देता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं देता है। जावास्क्रिप्ट बोलता है कि चलो यार अभी बच्चे हो, खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन आप एक्सपीरियंस वाले हो जाएंगे तो आप खुद ही ऐसा काम नहीं करेंगे, इसका लॉजिक आप यहाँ पर खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। आप ऐसा गलती कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, गलती कर लीजिए, ये आपको एरर नहीं देगा, लेकिन इसका आउटपुट भी नहीं देगा। अब ये क्या करेगा, सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। देखिए इसका आउटपुट आने वाला है क्या, यहाँ पर दो पैरामीटर है ना, यहाँ से केवल दो ही क्लियर करेगा कंसीडर, इन सबको ये इग्नोर कर देगा, कंसीडर ही नहीं करेगा। एक्स्ट्रा पैरामीटर अगर आपने दे दिया उसको ये इग्नोर कर देगा, एक्स्ट्रा पैरामीटर अगर आपने दे दिया ये इग्नोर कर देगा। देखिए डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या हो रहा था, आप पैरामीटर के वैल्यू भेज ही नहीं रहे थे, ठीक है, लैक ऑफ पैरामीटर की वैल्यू, आप वहां पर पैरामीटर की वैल्यू भेज नहीं रहे थे, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या यूज कर रहे थे हम लोग, रेस्ट पैरामीटर, सॉरी डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर में आप पैरामीटर की वैल्यू नहीं पास कर रहे थे, तो उसको हम लोग हैंडल कर रहे थे किसमें, डिफॉल्ट पैरामीटर में, लेकिन रेस्ट पैरामीटर में क्या आप एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, तो एक्स्ट्रा भी ये नहीं लेगा। एक्स्ट्रा देखिए अगर आपने यहाँ पर दो दिया तो 10 और 20 को ही क्यों सम करेगा, इन सबको ये इग्नोर कर देगा। देखिए कितना आउटपुट आने वाला है, 30 ही आने वाला है, देख लीजिए 30 ही आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, अब आप चाहते हैं कि नहीं, हमें तो भैया सारा चाहिए ही चाहिए, इसको हम ऐसे सम वो करते हैं यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब हम आप चाहते हैं क्या, इसमें भी मैं कमेंट करता हूँ, जितना भी मैं कोड करता हूँ मेरा आदत है कि मैं कमेंट करते चलता हूँ, ताकि आप लोगों को सारा स्टेप पता रहे, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ वही चीज़, फिर कमेंट दूसरा चीज़, ठीक है। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, इन सबको भी सम करें, क्या करूँगा यहाँ पर, सी डी ई एफ कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी सी डी ई एफ, अब आउटपुट आ जाएगा, देख लीजिए 30 30 60 90 120 आउटपुट आ जाएगा इसका, क्या आ गया, 120, सही है, ठीक है। कल को मान लीजिए कल को एक और आ गया पैरामीटर, कल को एक और पैरामीटर आ गया, एक और आपको यहाँ पर सेव करनी है, सम करनी है, फिर ये 120 ही आउटपुट दे देगा, फिर 120 ही आउटपुट दे देगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर एक जी बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप फिर से आप एक प्लस जी करेंगे, सोचिए ये प्रॉब्लम है। अब जाकर के आउटपुट क्या आएगा, 30 120 में 30 हमने ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा, 150, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें फंक्शंस के डिफिनेशन को बार 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 चेंज करना पड़ रहा है, ये सही तरीका नहीं है। हमें ऐसा कोडिंग करनी चाहिए ताकि हमें अपने फंक्शंस के डिफिनेशन को बार बार चेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेस्ट पैरामीटर यूज करते हैं, जहां पर हम अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ पैरामीटर इस फंक्शन में कितना आने वाला है, कब 1 कब 2 कब 3 कब 4 कब 10 कब 50 कब 100 कब 200 आ जाएगा, हमें पता ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि जितना भी आए हमें नहीं टेंशन नहीं रहती, हम बार बार फंक्शन का डिफिनेशन चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो इस तो यानी कि एक्स्ट्रा पैरामीटर को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर, देखिए कैसे करेंगे, कॉपी कमेंट पेस्ट। देखिए मान लीजिए आपको लगता है कि भैया पहले क्या था, केवल दो ही था ना, दो था, ठीक है, पहले दो ही था आउटपुट इसका, पहले मान लीजिए अब यहाँ पर दो ही था, ठीक है, आउटपुट से क्या आएगा इसका, 30 आएगा, अब ठीक है 30 आ गया। अब आप चाहते हैं कि अब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर इतना सारा भेजना है, ठीक है, तो देखिए अभी भी आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर 30 ही आएगा, लेकिन मुझे सबको सम करना है, ठीक है। तब इस चीज के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फंक्शंस के डिफिनेशन में ही क्या करेंगे, रेस्ट पैरामीटर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कॉमा दीजिए,
अब इसके बाद का जितना भी पैरामीटर होगा, जितना भी पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, क्या करनी है हमें, एक वेरिएबल में रखनी है और वो वेरिएबल एरे की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि अब जितना भी वैल्यू भेजेंगे उसको हम एरे में उसके इंडेक्स बेस पर रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उस यानी कि रेस्ट पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए ट्रिपल डॉट लिखेंगे 1 2 3, और यहाँ पर आप ए बी सी एक्स वाई जेड जो नाम देना हो नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम मैं दे देता हूँ क्या, INPUTF इनपुट्स, ठीक है। जो भी इनपुट्स आप यहाँ पर आएगा एक्स्ट्रा, यानी ए और बी को छोड़ के जो भी आप पैरामीटर का वैल्यू भेजेंगे वो इसमें आ जाएगा एरे के रूप में। देखिए ए और बी को छोड़ के, यानी कि ए और बी का वैल्यू छोड़ के, यानी कि 10 20 30, इसको इसको ईजी कर दीजिए एक, ताकि इस कन्फ्यूजन ना हो, 1 2 3 4 5 6 कर लिया, ठीक है। यानी कि एक और एक इसमें, दो इसमें, बाकी क्या 3 4 5 6 इसमें आएगा। देख लीजिए कंसोल डॉट लॉग क्या ए बी और यहाँ पर क्या इस इनपुट्स में कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। देखिए इसमें क्या आएगा 3 4 5 6, देखिए क्या आएगा, देख लीजिए एक एक ए में एक बी में दो और जो इनपुट्स था रेस्ट पैरामीटर्स में क्या आ गया, एक एरे आ जिसका लेंथ 4 है, 3 4 5 6 आ गया। अब एरे में वैल्यू आ गया, आपको जो करना वो कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, जो करना है आप वो कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए अब ये एरे के रूप में, अगर मान लीजिए हम ट्रिपल डॉट को अगर प्रिंट करके देखते हैं तो क्या इसमें आएगा, कंसोल डॉट लॉग वो एरे के रूप में नहीं आएगा, जिस तरह से आपने भेजा है ना उसी तरीके से आ जाएगा। आपने 3 4 5 6 भेजा है ना, तो ये 3 4 5 6 आएगा, बस इसमें कॉमा नहीं आएगा, यानी जिस तरह से इनपुट का वैल्यू होता है ना, यहाँ पर ए में क्या आता है एक, उसी तरह से अब यहाँ पर क्या आएगा 3 4 5 6 बिना कॉमा के, देख लीजिए 3 4 5 6 ये भेज रहे थे उसको रिसीव कर लिया है, ट्रिपल डॉट हटा देंगे तो ये एरे के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको आनी चाहिए। अब मान लीजिए इसको मैं बंद करता हूँ, अब मुझे मान लीजिए भैया सम तो सबको करनी है ना, तो सम कैसे करें, बात क्लियर है कि इस रेस्ट पैरामीटर में वैल्यू क्या आएगा एक्स्ट्रा, यानी कि जितना आपने यहाँ पर डिफाइन किया है उससे ज़्यादा आप पैरामीटर का वैल्यू पास कर दिए, पैरामीटर के लिए वैल्यू आपने अगर आपने पास कर दिया यानी आर्ग्यूमेंट का वैल्यू आ गया तो सारा चीज कहाँ आएगा इस इनपुट्स में, यानी कि इस रेस्ट पैरामीटर में, ठीक है। इसको सम कैसे करेंगे, सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि एरे है, एरे में से सम करना है तो हम क्या करेंगे लूप के थ्रू उसको सम कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं क्या, एक फॉर लूप, फॉर लूप, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल ये हमने मान लीजिए लेट आई और यहाँ पर कर दिया क्या ऑफ, इसमें इन इस इनपुट्स में एरे पर जाके मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके देखिए, कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, आई का वैल्यू हम डालेंगे तो क्या आएगा, जितना इसमें डेटा रहेगा, इसमें 4 डेटा है तो पहली बार में क्या आएगा 3 फिर 4 फिर 4 फिर 3 4 5 6 हो जाएगा, एक एक करके देख लीजिए 3 4 5 6, इसको हम क्या कर देंगे सम कर देंगे, ठीक है। सम करने के लिए क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर TOTL टोटल में डाल देंगे क्या चीज़, ए प्लस बी, इसको भी सम करना है ना, ए प्लस बी, ठीक है। और इस टोटल में इन सबको भी सम करते चलेंगे, टोटल में क्या डाल देंगे, टोटल में टोटल प्लस क्या आई, टोटल में प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और 2 3, तीन में बार बार ये सम करके उसमें स्टोर करते चला जाएगा। देख लीजिए इसको हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं करा, कॉपी कंसोल डॉट लॉग टोटल, देख लीजिए आउटपुट आ गया कितना 21, इसको आप सम कर लीजिए 21 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। 1 2 3 3 6 6 4 10 और 10 11 कितना हो गया 21 आ गया, ठीक है, क्लियर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपी और पेस्ट टोटल, और यहाँ पर ये टोटल घटा दीजिए असाइन, सॉरी प्लस और असाइन, प्लस और असाइन में क्या आई, आउटपुट अभी भी सेम आएगा, यानी कि इस लाइन को ऐसे लिखिए तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको आप शॉर्ट ऐसे कर सकते हैं, आउटपुट अभी भी कितना आएगा 21 ही आने वाला,
ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जितना मर्जी 21 है ना, 21 में आप यहाँ पर 10 और भेज दीजिए, कितना जाएगा 10 और 20 और भेज दीजिए, तो 21 10 31 और 20 कितना 51, 51 आ जाएगा, 51 आ गया। आपको यहाँ पर जितना मर्जी उतना वैल्यू भेजिए ना, क्या दिक्कत है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। और 10 ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा 61, 61। ठीक है, हमें बार बार फंक्शन का डिफ्यूजन चेंज नहीं करना पड़ रहा है, जितना भी नंबर सब पैरामीटर भेजेंगे वो सारा चीज हैंडल हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रेस्ट पैरामीटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो कितना ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखिए एक चीज और देखिए, इसको मैं बंद करता हूँ, एक सिनेरियो सुनिए। देखिए मैं सपोज करिए कि एक यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ, FUN फंक्शन, नाम दिया मैंने मान लीजिए साहू सॉफ्ट। अब आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिया मैंने क्या ए बी, ठीक है, और एक बार तो क्या है इनपुट पैरामीटर, सॉरी रेस्ट पैरामीटर इनपुट्स कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, किसके लिए, ए के लिए, कॉपी पेस्ट, बी के लिए, ठीक है, और यहाँ पर INPUT इनपुट। देखिए कॉपी पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ क्या एंगुलर, यहाँ पर दिया मैंने क्या RESET React, यहाँ पर दिया मैंने क्या नोड, यहाँ पर दिया मैंने क्या JQuery या jQuery, यहाँ पर दिया मैंने क्या AWS, ठीक है, यहाँ पर दिया मैंने क्या AZURIO। ठीक है, देखिए अब आप बताइए ए में बी में क्या मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा, वीडियो को पॉज करिए सोचिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा, ए में क्या मिलेगा हमें एंगुलर, बी में क्या मिलेगा हमें रिएक्ट, और इनपुट्स में क्या मिलेगा हमें एक एरे जिसमें चार ये भर जाएगा। आउटपुट देखिए एंगुलर रिएक्ट और एक में एरे जिसमें ये चार वैल्यू आपका रहने वाला है। ठीक है, इसका आप लेंथ वगैरह भी निकाल सकते हैं ऐसे इनपुट से, क्या एरे है डॉट लेंथ कर देंगे, लेंथ मिल जाएगा आपको, लेंथ क्या आ जाएगा चार, लिख लीजिए रिफ्रेश करिए, लेंथ क्या आ गया चार। ठीक है, अब ये एरे है, एरे का आप कोई भी फंक्शनलिटी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एरे का कोई भी मेथड आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मर्जी है आपको जो भी करना होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक चीज आप समझिएगा, कॉपी कम जो रेस्ट पैरामीटर होता है ना वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, सबसे लास्ट में, यानी कि रेस्ट मतलब कि एक्स्ट्रा पैरामीटर, तो आप एक्स्ट्रा पैरामीटर को आप पहले कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, एरर। देखिए यहीं पर ये बताएगा कि अरेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट इन पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर की जो क्या जो लिस्ट होता है उसको आप लास्ट में रखिए, किसको रेस्ट पैरामीटर को। ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट है जो बच्चा वो इसी में आएगा, ये नहीं कि पहले ही से जो बच्चा इसमें आ जाओ भाई, ये पहले बच्चा कहाँ, पहले तो उसको यूज करने दीजिए। ठीक है, होता है ना, देखिए तो ध्यान दीजिएगा रेस्ट पैरामीटर जब भी हम डिफाइन करेंगे पैरामीटर की लिस्ट में तो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए, हम उसका 100% रिप्लाई करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तो जरूर जरूर से जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।